अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपका अभी है इंग्लिश का पेपर, तो मैं आज आपको जो पेपर बताने जा रहा हूँ वो याद करके, वो हल करके, तो आप ले सकेंगे अच्छे मार्क्स इस पेपर में। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपको MCQs बताने जा रहा हूँ कि कौन सी MCQs के आने के चांसेस ज़्यादा है। ये पूरी बुक से इंपॉर्टेंट है, तो हमने ये आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप साथ में अपनी बाकी तैयारी भी जारी रखें कि पूरे वक्त का पता नहीं है, क्या पता ये इंपॉर्टेंट है लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो पेपर में आ जाए, लेकिन इनके आने के चांसेस ज़्यादा है। तो दोस्तों, मैंने दूसरी वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने आपके साथ जो इंपॉर्टेंट शार्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह है, जो ऐसे वगैरह जो भी 9th में होता है, वो मैंने उसमें शेयर किया हुआ है, तो आप वो वीडियो देखकर पूरा फुल पेपर हल कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो में। मैं इस वीडियो में आपको MCQs बताने जा रहा हूँ। तो ये स्क्रीन पर है, MCQs देख सकते हैं, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ये साथ में नोट भी कर सकते हैं। ये MCQs है, यहाँ से ये स्टार्ट होती है। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे दे फिल इन द ब्लैंक हॉट ऑल डे वर्क वर्क्स एज वर्क वर्क, तो आप इनमें से देख सकते हैं जो भी आप लगे, तो आप ये पेपर सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप ये पेपर सॉल्व कर देंगे तो दोस्तों जो आपका पेपर होगा इंशाल्लाह वो भी आप ज़रूर ऐसे ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आप ABC, ये पहले 5 MCQ थे, फिर 6 7 8 9 थे, अब 10 11 12 13 14, तो ये MCQ है, तो आप इनका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अगर आप चाहे तो। ये हो गया, तो अब ये लास्ट वाले है 15 16 17 18 19। तो दोस्तों, इनकी आप तैयारी करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मज़ीद वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।